प्रदेश का जो नेतृत्व कर रहे हैं सरकार, और वही झूठ बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही प्रदेश के युवाओं को कैबिनेट की पहली बैठक में 1,00,000 सरकारी नौकरी दे दी जाएंगी। ये है उपाध्यक्ष महोदय, झूठ बोलने की एक सीमा, और मुझे बार बार ये कहना उचित नहीं लगता, अच्छा नहीं लग रहा है कि प्रदेश का जो नेतृत्व कर रहे हैं सरकार, और वही झूठ बोलते हैं, और वही झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं, हर बात पर झूठ बोलते हैं, जब मर्जी झूठ बोलते हैं। ये आपकी घोषणा पत्र का पन्ना है, और जिसमें इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको भेजना हो वो भेज दूंगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही प्रदेश के युवाओं को कैबिनेट की पहली बैठक में 1,00,000 सरकारी नौकरी दे दी जाएंगी। ये है, और ये पेज, ये देखो ना, पेज आइए दिख रहा है, ये देखिए, ये इनका, ये है। इसलिए एम्पर्ड नहीं है, मैं इसकी कॉपी भेज दूंगा अभी, प्रिंट निकाल करके, जब तक इनका भाषण समाप्त होगा तब तक के लिए प्रिंट निकाल आइए। लेकिन इस तरह से आप खड़े होकर के जब बोलते हैं तो सचमुच में बहुत बहुत वो ठीक नहीं लगता है। आपको इस बात को अनुभव करना चाहिए, जो आपने छापा है, जो आपने बोला है, चिल्ला चिल्ला करके बोला है, एक कोने से दूसरे कोने तक बोला है, हर दीवार पर हिमाचल प्रदेश की जब लिखा है, इसको स्वीकार करने में क्या है। आज आप एक बात कर दिए कि मैं माफी चाहता हूं, कि ये जो है जो कुछ भी किया है तब मैं जो है, मेरे से कोई सलाह नहीं ली गई थी, आपको हम माफ कर देंगे, और प्रदेश की जनता से भी आपको माफी का एक रास्ता निकल जाएगा कि भाई मैं नहीं था तब ये बनाने वाला, जिनने बनाया उनसे पूछो, मैं तो बाद में आया हूं। तो ये एक रास्ता हो सकता है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मेहरबानी करके जो आपने छापा है, जो आपने बांटा है, जो आपने बोला है, एक कोने से दूसरे कोने तक, उसको स्वीकार तो करो।